क्या जरूरत थी उसे गाली गलौज करने की? चुपचाप पैसे लेकर निकल जाती, खामखा मुंह फोड़ा के आई हो। इस टूटे हुए शक्ल के साथ कोई क्लाइंट भी तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहेगा। रंजीत, पर ये मेरी आखिरी मीटिंग थी ना। रंजीत, मैं तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस रखती भी हूं या नहीं? ये कैसा सवाल है? आज मुझे चोट लगी थी, उस पठान ने मेरा ये हाल किया। तुम उसे उसका मुंह तोड़ने की बजाय, उसे पुलिस में देने की बजाय ये पैसे लेकर यहाँ आ गए हो, जो मेरी इज्जत बेच के आए हैं। तो क्या करता मैं? पुलिस को कॉल करके ये इन्फॉर्म करता कि तुम एक धंधे वाली हो और मैं तुम्हारा दल्ला, ये बताता मैं? या पठान का मुंह तोड़ के मैं खुद जेल चला जाता। सुधा, इमोशंस में ना इंसान गलतियां कर बैठता है, लेकिन मैंने उस वक्त में अपने दिमाग से काम किया और मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही किया। रंजीत, अब तो तुम्हारा कर्जा उतर गया है ना, अब मैं इस लाइन को छोड़ के तुमसे शादी कर सकती हूँ? रंजीत, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं हैरान हूं तुम्हारी बातें सुनके सुधा। हाउ कैन यू इवन आस्क मी लाइक दैट? नहीं, एक्चुअली तुमने ये सवाल करके ना बहुत अच्छा किया, वरना मैं सोच ही रहा था कि मैं तुमसे किस मुंह से शादी के बारे में डिस्कस करता, क्योंकि सच तो यह है कि मैं एक अच्छे घर का लड़का हूं। आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली। हाँ, भले मेरे परिवार वाले मेरे साथ में नहीं रहते अभी, लेकिन मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं और एक बाजारू औरत को अपने घर में नहीं ला सकता हूं। आई कैन नॉट मैरी यू सुधा। बाजारू रंजीत, मत भूलो, इस लाइन में उतारने वाले तुम ही हो मुझे। मुझे कोई शौक नहीं अपनी इज्जत बेचने का। रंजीत, जब तुम मुझे इस लाइन में उतार रहे थे, तब तुम्हारे घर की इज्जत कहाँ गई थी? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम इस लाइन में उतरो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी करो। और अच्छा, मान भी लेता हूँ कि मैंने तुमसे कहा, बट इट डजंट चेंज द फैक्ट कि तुम एक धंधे वाली हो एंड दैट आई कैन नॉट मैरी यू। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। तुम्हारा सारा कर्ज मैं चुकाने के लिए तैयार हूं।
आराम से सुधा, आ जाओ, बैठ जाओ, आराम से। ये लो दवाई खा लो, मेरी बात मानो। देखो सुधा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि पिछले जिंदगी में तुम पर क्या बीती है, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रिश्ता हो, वो जिंदगी से बढ़कर नहीं होता। अगर तुम अपनी जिंदगी को प्यार नहीं करोगी, अपने आप को प्यार नहीं करोगी, तो कोई और भी नहीं करेगा। लाइफ में चाहे जितनी भी तकलीफें आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी ठोकरें लगे, वापस उठकर खड़े होना ही इंसान का फर्ज है, और इसी का नाम जिंदगी है। मेरी बात मानो, दवाई खा लो। अच्छा सुधा, मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूं। ये तुम तैयार होकर कहां जा रही हो? मैं अपने काम पर जा रही हूं। ये लो। ए, क्या हो रहा है सब? पकड़ो इनको। आओ, कम कम, सिट डाउन, बैठो। एक बच्चे के साथ ऐसा, तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि ये उस बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र है? How could you be so greedy and valueless? Shame on you, सुधा, इतना कैसे गिर गई तुम? अब जो हुआ सो हुआ, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन हर बार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। सॉरी सर, I'm really sorry। मैंने कितने भी कोशिश की पर मेरे दिमाग से रंजीत का धोखा जा ही नहीं रहा है। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मुझे लगता है मैं जिस भी चीज को हाथ लगाती हूँ वो बर्बाद हो जाती है। जिसमें रंजीत का रिश्ता, रंजीत के साथ तुम्हारा रिश्ता टूटने की वजह तुम नहीं हो, इसकी वजह रंजीत का धोखा है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, सो प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ पर मैं नहीं समझा पा रही खुद को। सुधा, तुम्हें एक जगह रुकना होगा, तुम्हें स्थिर होना होगा, और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सुधा, मैं तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम्हें मेरी उम्र दराजी से कोई एतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक
एक वो था जिसने मुझे बाजारू कह के छोड़ दिया, और एक आप है जो मुझे इज्जत देके अपनाना चाहते हैं। सच है साहब, मैं बाजारू ही हूं। आप मुझे इज्जत देके अपना नाम खराब मत कीजिए। ना जाने लोग आपके बारे में क्या क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें सुनाएंगे आपको। शायद तुमने वो गाना नहीं सुना। कौन सा? थोड़ा पुराना है, हमारे जमाने का है, बट द गोल्डन वर्ड्स आर नेवर बीइंग ओल्ड। बातें कभी पुरानी नहीं होती। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे लोग तो आज भी मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हो, या फिर रंजीत के धोखे को याद करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हो। बोलो सुधा, बोलो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तुम्हारे सामने अपना हाथ बढ़ाता हूं। सुधा, आज से हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। दरअसल मैं अपनी जिंदगी की बुरी बातों को, अपने जख्मों को कभी याद नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें सब कुछ जान लेने का पूरा पूरा हक है। मेरा एक बेटा है, विकास नाम है उसका। ये कोई 24-25 साल का है। अब कहाँ है वो? दरअसल वो कहाँ है, क्या करता है, किसके साथ रहता है, मुझे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं। दरअसल निहायत ही बिगड़ैल, बदतमीज और आवारा किस्म का लड़का है। मैंने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, पर वो हाथ से निकल गया। एक दिन एक क्रिमिनल के साथ एटीएम मशीन में चोरी करते हुए पकड़ा गया। फिर तंग आकर मैंने उसे इस घर से निकाल दिया। अब क्या कर सकते हैं? अब वो कहाँ है, किसके साथ रहता है, क्या करता है, मुझे इस बात का कोई भी इल्म नहीं। दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आपने मुझे ये सब सच बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपनी जिंदगी में अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ मैं रहूंगी, आपकी पत्नी बनकर। थैंक यू वेरी मच सुधा, आई रियली रियली लव यू। हमेशा ऐसे ही मेरी जिंदगी में बहार बनकर रहना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तुम्हें शर्म नहीं आई?
इस घर में आते हुए इस घर के दरवाजे तुम्हारे जैसे बेगैरत इंसान के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। निकल जाओ इस घर से इसी वक्त, निकल जाओ। मैं आपका बेटा हूं विकास, और ये घर मेरा भी है पापा। बेटा, घर, बेटा बनने का एक भी फर्ज निभाया तुमने आज तक? एक भी काम तुमने आज तक ऐसा किया जो कि एक बेटा अपने बाप के लिए करता है? अरे तरस गया था मैं एक लायक बेटा पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे जैसा बेगैरत इंसान इस दर्द को कभी समझ ही नहीं सकता। निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। यह है विकास मेरे बेटे, और यह है मेरी धर्म पत्नी और तुम्हारी माँ। अरे नहीं मिलना मुझे मेरी। सुधा, सुधा, बेशरम बेगैरत, आज इतने सालों के बाद याद आ रहा है कि तुम मेरे बेटे हो? इतने दिनों तक कहाँ थे? अरे पैसे कम पड़ गए होंगे, कोई मिला नहीं होगा लूटने के लिए, तो अपने बाप को ही लूटने आ गए। बेगैरत इंसान, इसके जैसा आवारा लड़का मैंने देखा नहीं आज तक। है तो आपका ही बेटा, दे दीजिए ना एक मौका, क्या पता इस बार सुधर जाए। सही कहा ना मैंने? ठीक है सुधा, तुम कहती हो तो इसे एक और मौका दे देते। बैठो बेटा विकास, मैं चाय लेकर आती हूँ। आज तुम नई माँ के हाथ की चाय पीकर जाना।